प्रत्याशी तुलसी सिलावट सावेर सीट से 53,264 रिकॉर्ड मतों से जीते। इंदौर शहर सहित सावेर के भाजपाइयों में छाई खुशी की लहर। जी हां, सावेर के इतिहास में 50,000 मतों के अंतर की यह पहली जीत है। तुलसी सिलावट को जहां 1,29,676 वोट मिले तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू को 76,412 मत प्राप्त हुए। इंदौर के नेहरू स्टेडियम पर सुबह 8 बजे सबसे पहले 4 टेबलों पर 2,085 डाक मतपत्रों की गिनती हुई। इसके बाद ईवीएम की सील खुली। ईवीएम की काउंटिंग की शुरुआत से ही भाजपाइयों में खुशी नजर आई, जो अंतिम परिणाम तक बनी रही। गणना स्थल की बात करें तो दो हॉल में सात सात टेबलों के हर राउंड में 14 केंद्रों की ईवीएम की गिनती हो रही थी। इस प्रकार 380 ईवीएम की गिनती 28 राउंड तक हुई। इस दौरान सभी राउंड में सिलावट की लीड बढ़ती रही, जो आखिरी राउंड तक प्रचंड जीत यानी कि 53,264 रिकॉर्ड मतों में तब्दील हो गई। ये मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व की जीत है। ये ज्योतिराय सिंधिया जी के विश्वास की जीत है। ये जो भाजपा के राष्ट्र मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी के संगठन की जीत है। और ये जीत हमारे मतदाताओं के सावेर की जीत है। कौन कौन से मुद्दे थे जिस पे जीत क्या है? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिसको कांग्रेस बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सब धरातल पे। देखो, ये लड़ाई साधु और शैतान की थी, ये आपको पता है। जनता ने सिद्ध कर दिया सावेर की जनता किसे पसंद करती है। मैं तो कहता हूँ सावेर की जनता हमेशा निर्णय ठीक करती है। उन्होंने किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री जी की ओर से, पीडी शर्मा जी की ओर से, ज्योतिराय सिंधिया जी की ओर से, कैलाश जी की ओर से, और हमारे जो योद्धा थे ना जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, उनकी ओर से, जिला अध्यक्ष की ओर से, सबकी ओर से, पूरे प्रदेश के जो क्या कहेंगे सब जगह से बिल्कुल। मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी भाजपा की लहर चल रही है, कहा था कि नहीं आपको, वो आपको देखने को मिल गया। शैतानों का क्या होगा मध्य प्रदेश में? शैतानों की जगह कहाँ है? बचिएगा। चलो।